जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा, क्योंकि शंभुनाथ तो शंभुनाथ है। यहाँ पे मेरी ठाकुर जी का भी भोग लग गया है गाइस। पूजा हमारी हो चुकी है और भोलेनाथ सबके जीवन को सुखी संपन्न करें, सभी के घरों में धन लक्ष्मी वैभव प्रदान करें, सभी का स्वास्थ्य बढ़िया रखें। तो ठाकुर जी आप अपना भोग ले लीजिए। जय हो मेरे प्रभु जी। आप अपना जय हो मेरे प्रभु जी, ले लीजिए प्रभु जी। जय हो मेरे। तेरी माया का न पाए कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। तो गाइस जो कल की जो लास्ट में क्लिप जोड़ी थी वो इसी वाले ब्लॉग की थी, क्योंकि मैंने आपका मीठा मुंह नहीं कराया था इसलिए मुझे मीठा मुंह कराना था। लेकिन कल के जो ब्लॉग को गाइस काफ़ी पसंद किया गया है, थैंक यू गाइस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की विशेष ज़रूरत है गाइस। तो यहाँ पे मैं कपड़े मैंने धो लिए हैं, और कपड़े तो मैंने मशीन में धो लिए थे गाइस, और उसके बाद मैंने हाथों से ही उन्हें निकाल दिया था, क्योंकि हाथों से निकालना मुझे काफ़ी सही लगता है। और कुछ मशीन भी मेरी ऐसे ही काम कर रही है गाइस, मतलब ये है कि काम चल रहा है। और इधर मैं आंगन में ही अपने कपड़े डाल देती हूँ, तो ये लव की सुरभि के कपड़े ये सब मैं हैंगर में टांग देती हूँ, जिससे आसानी से सूख जाती हैं तो दिक्कत नहीं होती। वैसे मैं ऊपर भी डाल के आ सकती हूँ, लेकिन मुझे ऊपर फिर लेने भी जाने का रहता है, और मैं पार्लर में अगर बिजी हो जाऊँगा इस, तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि वहीं पर वो कपड़े रह जाते हैं, और फिर जब मुझे ध्यान आती है तो फिर मैं लेने जाती हूँ, तो काफ़ी रात हो जाती है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है गाइस कि बंदर वंदरों का भी रहता है और बच्चों के कपड़े रहते हैं, तो फिर मुझे डर लगता है। तो मम्मी मुझसे कहती हैं कि तू नीचे ही डाल दिया कर, अगर तुझे लाना हो ध्यान हो तभी लेके आए कर, ना वरना यहीं डाल दिया कर। तो गाइस जो ये हमारा फ्रिज है काफ़ी पुराना हो गया, बस यही है कि काम चल रहा है। ये मेरे हस्बैंड को उनको उनकी काम के लिए उनको गिफ्ट में मिला था टीवी और फ्रिज, जो कि उनके बहुत प्रिय हैं, और बस काम चलता है इससे, मतलब ठीक अंदर से तो ठीक काम करता है, लेकिन ऊपर से पूरा ये इसकी डेंटिंग वेंटिंग ख़राब हो चुकी है। तो गाइज मेरे को तो ये फ्रिज ऐसे ही मिला था, क्योंकि ये मेरी शादी से बहुत पहले का है, कम से कम इसे 25-26 साल तो आराम से हो गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब वो ठीक ठाक काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर ये जब नहीं काम करेगा तब दूसरा लेने की सोचेंगे। मम्मी तो मेरे से बहुत कहती हैं हम लोगों से कि तुम है ना पुरानी चीज़ों को हटा दो, नई ले लो, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं, जब तक काम चल रहा है तब तक तो चलाएंगे इससे, जब नहीं चलेगा तब हम दूसरा ले लेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं अपने आंगन में हैंगरों में कपड़े डाल देती हूँ, और कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से सूख जाती हैं। तो गाइस शाम की चाय बन रही है और 4:45 का टाइम हो रहा है, और लव जाएंगे वीको और आज शाम के खाने बन रहे हैं कद्दू और लौकी का रायता बनेगा, और लौकी का रायता बनेगा, तो मैंने थोड़ा सा कद्दू है ना उसमें डाल दिया बॉईल करने के लिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कद्दू और लौकी दोनों का रायता बनाएंगे, और ये और यहाँ पे मैंने इसको मेथी दाने को भिगोने रख दिया है, और इधर बन रही है चाय बन रही है। तो चाय ले लीजिए। तो इधर गाइज मैं कद्दू जो ये मैंने बॉईल कर लिया है कद्दू और लौकी को, और इसे मैं जार में पीस दूंगी और इस तरह से मैं बना दूंगी। तो गाइज हमें ना गर्मियों में कद्दू है, लौकी है, पालक है, अपनी डाइट में दही है, ये ज़रूर शामिल करें। छाछ है, मैंने कल की वीडियो में ही बोला था, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि पानी की जो कमी होती है हमारे शरीर में वो ये पूर्ति करते हैं ये चीज़। तो यहाँ पे देखिए गाइज मेरी कद्दू, तो यहाँ पे गाइज मैंने कद्दू और लौकी को बॉईल कर लिया है, और इसके बाद मैं जार में से पीस लूँगी, और दूसरी साइड में मैंने मैं गैस पे कढ़ाई भी चढ़ा दी है, और मैंने उसमें
तेल डाल दिया। तेल यहाँ पे मैंने सरसों का ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे मेरी मसालदानी में गई, इधर हल्दी और धनिया पाउडर है ना नहीं था, तो मैंने कहा चलो दूसरा डाल दो। तो यहाँ पे जो हल्दी है ना, ये मैं पॉलीथीन में ही रख देती हूँ, क्योंकि पॉलीथीन में गई फिर वो ख़राब वराब नहीं होती हैं, ऐसे कैसे रख देते हैं। और दूसरे डब्बे में मेरे यहाँ पे मेरे धनिया पाउडर है, तो वो मैं डाल दूँ इसमें डाल दूँ, क्योंकि मसालदानी हल्दी पाउडर की, और वो यही ज़्यादा यूज़ मतलब होती है सब्जियों में, बाकी तो कम ही डलती है मिर्ची तो। इसके बाद गाइस ये मेथी और जीरा, मैं ये मेरा तेल अच्छी तरह से हो गया है, मैं इसमें डाल दूँगी। और अब आप इसमें डालना चाहो तो काली मिर्ची और खड़ा मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं डाल रही गाइस क्योंकि लबसुर भी वो तो दोनों है ना काली मिर्च के नाम पे आतंक मचा देंगे, वो लोग नहीं खाएंगे, तो फिर मुझे बच्चों की भी खाने का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ मेथी दाने को अगर गला के डालने से गाइस क्या होता है कि वो फूल जाता है, फूल जाता है तो गाइस वो जलता नहीं है, और वो उसके स्वाद भी उसका बहुत बढ़ जाता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पर मैं प्याज डाल दिया, और देखिए गाइस ये कैरी है, और इसमें मैं कैरी बाद में ऐड करूँगी, कैरी को देख के बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। तो यहाँ पे मैं गाइस यहाँ पे प्याज है ना मेरी मैं हल्की पिंकी इसे भूनूंगी, क्योंकि डार्क नहीं करूँगी। तो यहाँ पे देखिए गाइस मेरी प्याज है ना अच्छी तरह से भुन गई है, मैं ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, बस हल्की पिंकी रहने दूँगी इनको, क्योंकि वो पानी तो जाएगा नहीं उसमें हल्का हल्का, तो इसलिए हल्की ही रहने दूंगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए सारे बेसिक मसाले, और इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर मैं डाल दिया, आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और आप गाइस इसमें छोंक में आप है ना गुड़ भी डाल सकते हैं, आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन है ना मैं गुड़ अभी नहीं डाला है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के लिए ये सब्जी निकालूंगी और बच्चों के लिए गुड़ ऐड करूंगी, क्योंकि बच्चों को गुड़ गुड़ वाला कद्दू पसंद है, वो मुझसे कह के गए थे कि नहीं माँ हमें गुड़ वाला कद्दू खाना, तो मेरे हस्बैंड बोले थे मेरे लिए तो भैया निकाल देना, तुम अपने लिए डालना चाहो वो डाल देना। तो यहाँ पे मैं बाद में गुड़ ऐड करूंगी। तो इस तरह से कद्दू की सब्जी गई, अगर दही डाल दो उसमें चोंक में तो उससे भी काफ़ी उसका टेस्ट बढ़ जाता है कद्दू की सब्जी का। तो इस तरह से मैं इसे, और ये सब्जी गाइस लव ने तो मेरे से बोल दिया था कि माँ मेरे लिए आप सुबह के लिए भी उठा के रखना इस सब्जी को, क्योंकि उसे बहुत पसंद है लव सुबह को दोनों को। तो गाइस अब मैं डाल दूँगी ये जार में जो मैंने दही भी डाल दिया था, इसी में कद्दू और लौकी को पीसा था, तो अब मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। तो तड़का मैं लगाऊँगी गाइस खाली जीरे वाली जो राई है उसका तड़का लगा दूँगी, अभी तो मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ और मिर्ची डाल दूँगी। और ये जो टोकरी है गाइस इसमें मैं सारे अपने खड़े मसाले रखती हूँ, तो ये मैं अपने पास ही में रखती हूँ ताकि जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं निकाल लेती हूँ, बाकी जो भी पैकेट खुले हुए होते हैं ना वो सारे मसाले के पैकेट तो मैं इसी यहीं पर रख देती हूँ, तो ये मेरे लिए आसानी रहती है, क्योंकि जब जल्दी का काम होता है गाइस तो ऐसा लगता है कि सारा सामान फटाफट से मिल जाए, बस यही रहता है। तो यहाँ पर मैं लगा दूँगी तड़का, तो यहाँ पर मैं गाइस कटोरी में तड़का लगाऊँगी, तो ये मैं कटोरी है ना तड़के के लिए रख दी है, और यहाँ पर देखिए गाइस इतनी तेज़ उसमें आग लग गई है, कटोरी है ना पूरी देखिए किस तरह से जल गई है। तो यहाँ पे मैं लाल मिर्ची डाल दी है, और मैंने तड़के वाली राई और जीरा और हींग डाल दिया है, इस तरह से मैं लगा दूँगी इसमें तड़का। तो गाइस तड़का लगा के रायते का स्वाद तो वाकई में ही दुगना हो जाता है, और हींग की खुशबू तो इतनी बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर तो गर्मियों के पूरे सीजन में रायता पूरा चलेगा, क्योंकि ये गाइस पानी की कमी तो पूरी करते ही है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया हमारा रायता बन गया, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है।